हेलो जी, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब? और शाम का टाइम है, शाम के बजे हैं 6 या 6:15। और ये देखिए, इधर आज अलमारी सेट की है, क्योंकि ये वाला गेट है ना, ये खोल लिया। इसके पास में ऐसे सोफा लगा दिया, बड़े वाला कूलर जो है ना, जो मेरी शादी का कूलर है, उसको उसका ना एक पाइप जिससे पानी जाता है ना, वो पाइप थोड़ा सा मिस्टेक थी उसमें, उसको सही करवाने गया है वो। मैंने पहनी थी चूड़ियाँ, क्योंकि मुझे कहीं जाना था, तो मैंने आज पहली बार जिंदगी में चूड़ियाँ चेंज की कहीं जाने के लिए, नहीं तो मैं ऐसे ही चली जाती हूँ। और आज जाना नहीं हुआ, देख लो, मतलब मेरी किस्मत देखो आप। और मुझे अब ये निकालनी है, और मुझे इसी तरीके से, मतलब अच्छी लगती है कलरफुल, वो होता है ना लहरिया टाइप की, तो मशीन लगाई है कपड़े धोने के लिए, साथ साथ कपड़े धुल रहे हैं। और मेरा आज पता है क्या प्लान है? दिन में तो मैंने ये सेटिंग 2-3 बार की है, एक बार में नहीं हुई है। एक बार अलमारी को मैंने बड़ी वाली को यहाँ रखा, फिर यहाँ मुझे मज़ा नहीं आया, फिर मैंने उसको वहाँ रखा, 2-3 घंटे वहाँ रही है, वहाँ भी फिर वो मज़ा नहीं आया। बड़ा सोफ़ा वहाँ था, फिर मैंने बड़े वाले सोफे को यहाँ कर दिया, अलमारी को वहाँ कर दिया, और काफ़ी जगह बच रही है किचन में जाने के लिए बहुत अच्छे से। तो एक बार थोड़े दिन के लिए, जब तक गर्मी ज़्यादा है ना, तब तक मन है ना एकदम यूँ करता रहता है कि नहीं यार, मतलब यहाँ ये गेट खोल के रखे, शाम के टाइम में इधर से हवा आती है और सुबह के टाइम भी हवा आती है। तो लो जी, ऐसा कुछ है। और मेरा प्लान क्या है वो मैं बता देती हूँ आपको। मैं आज छत पर 3 दिन 4 दिन हो गए, क्योंकि ना धूप होती है ज़्यादा, सुबह भी धूप होती है, शाम को भी गर्मी रहती है, लू चलती रहती है, झाड़ू लगाने का मन नहीं करता। छत तो रखी है गंदी, तो मुझे लगानी है झाड़ू छत पे, साथ साथ कपड़े धुलेंगे, साथ साथ झाड़ू लग जाएगी, छत भी साफ़ हो जाएगी, सुबह सुबह का काम नहीं रहेगा। देखो ये पूरी गंदी हो रखी है, दिखाती हूँ। इसमें पता है ये है ना, ये फूट फूट गया ना, ये सीमेंट का जो ये था, उसकी वजह से ये कंकड़ हो जाते हैं, बाकी कुछ नहीं है। बाकी तो मैं झाड़ू लगाती रहती हूँ, तो इतना गंदा नहीं होता, बस ये है ना, ये कंकड़ फैल जाते हैं, तो इन कंकड़ के कारण मेरे को झाड़ू लगानी पड़ती है, मुझे अच्छा नहीं लगता फिर ये फैलते हैं तो। और ये ऐसा कुछ है इधर से, ठीक है, बच्चों ने दोबारा फैला दिया, मैंने इसको हर एक चीज़ को सेट कर दिया था। अभी ट्यूशन से आई है, तो इसने देखो ये क्या कुछ करके रखा है। और अब ये दोनों खेलेंगे, क्राफ्ट का काम करना है, अपना झूला बनाया है इसने आज। कपड़े धोने में, मतलब झाड़ू लगाई ना, जब तक सारे राउंड धुले ना, तब तक है ना पूरा अंधेरा हो गया। देखिए क्लिप में आप देख रहे होंगे, तो मैंने सोचा चलो अंधेरा हो गया, लेकिन कोई बात नहीं, कपड़े तो धुल गए। और कपड़े जब ज़्यादा हो जाते हैं, धुल जाते हैं ना, इतना सुकून मिलता है कि क्या बताऊँ। मुझे सबसे ज़्यादा सुकून इसी काम में मिलता है, सारे कपड़े धुलने के बाद में। बेडशीट भी मैंने धो दी है, क्योंकि ये गंदी हो रखी थी, उतनी गंदी तो नहीं थी, लेकिन बस वो होता है ना कि जब मशीन लगाते हैं, जब मन करता है कि जो सामने आए बस धो डालो उसको, तो सब धोने के बाद में घर भी काफ़ी साफ़ सुथरा लगता है और मज़ा भी आता है। लो जी, शाम के 7:30 बज गए, और अब जाके मेरी सारी छत साफ हो गई, झाड़ू लग गई, हमारा और सिर साफ हो गया, कपड़े सूख गए, पंछी हो गई, और मेरा मैं पूरा साफ हो गया, ये खड़ा उल्लू और इनके सिर में पंछी हो गई, देखो पिंपल भी ही, बताओ शिवाश कह रहे थे ना 2-4 दिन पहले, अक्कड़ बक्कड़ बम्बे, वो जो मेरी वीडियो को लाइक ना करे उसके 80-90 पिंपल लो। अकड़ पकड़, पापा ने लाइक नहीं किया हमारी वीडियो, अकड़ बकड़, अब आपको ढूंढूंगा, अकड़ बकड़ मम्मी, वो जो मेरी पोस्ट को लाइक ना करे उसके 80-90 पिंपल हो। अब हां, तो आपके पिंपल हुए हैं, अब इसीलिए पिंपल हुए हैं, ये मेरे वीडियो लाइक नहीं करते, मेरे देखते ही नहीं है, लाइक कहां से करेंगे। हवा वाला हो गया बेटा, पानी वाला कर दे। तो जी, रात के बज गए 9 और बच्चों ने खाना खा लिया, मैंने बेडशीट भी चेंज कर दी थी जब कपड़े वॉश किए ना। आप सबको एक चीज दिखाती हूँ, एक मिनट रुक, पापा बोल रहे शायद, क्या कह रहा था?
फोन पे बात चल रही है मुझे लगा मेरे को आवाज लगा रहे हैं। तो खाना वाना बच्चों को हो गया, हम लोगों को अभी खाना है। और अभी नैनी ने कुछ बनाया है, वैसे इसने अपने पापा के वीडियो में दिखाया था, मैं भी दिखा देती हूँ। इसका मन है, ये बनाया यहाँ है पे इसने। दो गुलाब के बेल, ये देखो गुलाब के फूल भी हैं। मैंने भी बनाया था कुछ, पर वो मम्मी ने फेंक दिया। जा पापा बुला रहे, जा माँ का फोन आया। इसने अपनी मेहनत से कैंची से 3-4 गोले काटे थे, उन्हें तिरंगे की पिन बनाई थी। तिरंगा बनाया था मैंने, बस फेंका नहीं, उसने खुद ने इधर उधर पटक दिया होगा। ठीक है, तो जी तिरंगा मतलब 3 रंग, अपने देश का झंडा नहीं बनाया था, 3 रंग लाइन खींची थी ऐसे, 3 रंग का कुछ बनाया था। ठीक है, तो यहाँ पर रात के बजे हैं 9 और बच्चों ने खाना खाया है। मैं तीसरी बार ये बात रिपीट कर रही हूँ क्योंकि बच्चे बीच में बार बार आ रहे थे। और मैंने अभी अभी एक कमेंट रीड किया, यार भगवान कसम क्या सोच दी है इन लोगों को, इतनी खतरनाक वाली सोच हो सकती है। फिर मेरे को कहते हैं नेगेटिव कमेंट्स पे आप रिप्लाई मत किया करो। यार मैं उठा के देखो, मैं बहुत कम रिप्लाई करती हूँ। जो खतरनाक वाले कमेंट आते हैं ना, एकदम खतरनाक वाले, जब मेरा बोलने का मन करता है वो होता है ना, फिर सुनते तो कितने सुनेंगे, मतलब वही बात है ना, क्या बताऊँ आपको। गलत बात पे तो हमारे यहाँ पे ये सिखाया जाता है, अपने माँ बाप को भी एक बार बताना है कि गलत है, तो जो गलत है वहाँ पे तो बताना जरूरी है। देखो तो अब मैं आप लोगों को बताऊँ कमेंट क्या था। उन मैडम का कहना था कि बहुत ज़्यादा शो ऑफ करने लगी, ससुराल वालों से घर मिल गया इसलिए बहुत ज़्यादा शो ऑफ करने लगी, कुछ इस टाइप का कमेंट था उनका। और ये बंदी जब भी आती है ना, भगवान कसम बहुत कुछ उगल के जाती है। और इसका वो कमेंट है ना, मैं आप लोगों को एक बात बताऊँ, मेरे को मुझे तो एक बात समझ में नहीं है यार, कि मेरे यहाँ तो पता यही होता है कि जो शादी करके लड़की जाती है ना ससुराल में, तो ससुराल वालों की जो प्रॉपर्टी होती है ना, मतलब जो भी मिलता है, घर है जैसा भी है जो भी है, चाहे किसी का छोटा होता है, किसी का बड़ा होता है, किसी की झोपड़ी होती है, कुछ भी होता है, वो उसमें रहते हैं। बाद में उनके पास कुछ अगर ज़्यादा है पैसा तो भाई अपना बड़ा भी बना लेते हैं, लेकिन ससुराल से जो ससुर जी की संपत्ति होती है उसमें से जो भी बनता है, जो ससुर जी का होता है, मतलब दादा ससुर का जो भी होता है या ससुर का होता है, ससुराल वालों की प्रॉपर्टी में उसको मिलता है। ठीक है, तो और ससुराल वालों के घर में ही रहती है, नई दुल्हन शादी होकर जाती है, तो उसके बाद भी जब तक वो खुद का नहीं बनाते, बाद में चाहे वो 15 साल 20 साल 25 साल जब तक मन करे, और वो जो मिलता है वो उसका हमेशा रहता भी है। मेरे ख्याल से जो ये कमेंट करके मैडम गई हैं, मैडम है कि सर है जो भी हैं, इनके यहाँ पे मायके से लेके आते होंगे घर रहने के लिए, मतलब ससुराल से नहीं लेते, दहेज में लेके आते हैं घर। तो महान हस्ती थोड़ा सोच के बोला कर, ससुराल में जो घर मिला है वो, ये जैसे मेरे को घर मिला है, ये मेरे फादर इन लोग का है, मेरे ससुर जी का है, मेरे फादर इन लोग कौन है, मेरे पति के पापा, मतलब सोच के देखो यार, ससुराल से मिल गया उसका शो ऑफ करती है, मेरा था वहां भी है। और हर एक बहू का होता है अपने ससुराल में, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, अगर है तो है हमारा, इसमें शो ऑफ करने की क्या जरूरत है, क्या शो ऑफ करूंगी मैं, इसमें हमारा घर है क्या दिखाना है इसमें। और हाँ, बादाम खाने लग गई इसलिए शो ऑफ कर रही है, नौटंकी, सब लोग खाते हैं ये तो। अरे मैं तो पता है क्या क्या करती हूँ, झाड़ू लगाती हूँ मैं, वीडियो में झाड़ू सब लगाते हैं, मैं खाना बनाती हूँ सब बनाते हैं, मैं सारा काम जो भी करती हूँ सब करते हैं, फिर मैं वीडियो क्यों बनाती हूँ, बनाती हूँ ना मैं, क्योंकि मेरा काम है ये, और लोगों को पसंद आता है, लोग देखते हैं, लोगों को मतलब हैबिट है, जिस दिन वीडियो नहीं जाता लोग पूछते हैं, मैं उनकी फैमिली का एक हिस्सा हूँ। और आप जैसे लोग, मुझे एक बात और समझ में नहीं आती, देखो जहाँ पर मुझे कुछ अच्छा लगता है मैं वहाँ जाती हूँ देखने के लिए, और जहाँ मुझे अच्छा नहीं लगता कोई गलत चीज़ में मैं क्यों जाऊँ, मैं तो नहीं जाती, मेरा टाइम वेस्ट नहीं करती। अगर तुम्हें अच्छा नहीं लगता तुम आते क्यों, मुझे ये समझ नहीं आती। एक बार नहीं, 50-50 बार आके नेगेटिव कमेंट करके गए हो, मेरा आज तक का रिकॉर्ड रहा है, मैंने यूट्यूब पे वीडियो बहुत देखे हैं, बहुत ज़्यादा वीडियो देखे, यूट्यूब पे रहती हूँ मैं 24 घंटे, सोचो मैंने कितने वीडियो देखे होंगे, लेकिन जहाँ पर मेरा इंटरेस्ट है वहाँ मैं देख के आती हूँ, मुझे अच्छा लगता है मैं कमेंट करती हूँ। ठीक है, जहाँ मेरे को अच्छा नहीं लगता मैं बैक हो जाती हूँ, वापस दूसरा कुछ देखने लग जाती हूँ। क्या मतलब है ये, क्यों अपनी मेंटेलिटी दिखाती हो, क्या मिलता है ना। खेल ले बेटा, ये हो रहा के सुनने लगी है,
तो देखो कैसे कैसे लोग होते हैं इस दुनिया में, पर जैसे भी हैं अपना खुद के संस्कार दिखा के जाते हैं। वैसे हमारे यहाँ तो ससुराल से घर मिलता है भाई, आपके यहाँ नहीं मिलता होगा, मायके से लेके आते होंगे। तो चलिए फिर इस वीडियो का एंड भी करते हैं, हम मिलेंगे विद इन न्यू ब्लॉग बहुत जल्द। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग। और हाँ, कुछ लोग और हैं जिनको जवाब देना है, बहुत ही ज़्यादा स्ट्रिक्टली मैंने कुछ एक्शन लिया है, मैं बताती हूँ उनको आगे आने वाले किसी वीडियो में, ठीक है। आजकल उनकी शक्ल दिखाई नहीं दे रही, इसलिए मैंने सोचा मैं उनको बता तो दूँ, कम से कम सेफ सो जाएंगे आराम से सुकून से।